सो वेलकम टू बैक अगेन दिस इनक्रेडिबल माय यूट्यूब चैनल हेमंत तिवारी व्लॉग। और गाइस मैं अभी अपने स्टूडियो में था, फर्स्ट वाले जहाँ भैया के स्टूडियो में था। तो यहाँ आज खिड़की उड़की खोल के रखा था, थोड़ा धूप ले रहा था, अच्छा लगा था। तो आज मैं यहीं फ्रेश वगैरह हुआ हूँ और क्योंकि माउंटेड नीचे थे और भैया भी नीचे ही थे। वही अगर रात को आए 2-3 बजे, बहुत थक गए थे तो वो नीचे ही थे। तो अभी मैं ना फटाफट फ्रेश हो गया, अब जाऊँगा, पहले ट्यूशन जाऊँगा आज। आज भैया से मांगूंगा, भैया प्लीज़ गाड़ी दे दो, दे दिए तो मस्त मजा आएगा। चलो फिर जाके नीचे देखूंगा, फिर ही मालूम पड़ेगा। सो गाइस मैं नीचे आ गया था और इनसे परमिशन ले रहा था गाड़ी लेने का। बताओ क्या ले लो, गाड़ी ले लो, अच्छे से रखना, अच्छे से रखना, बैंक में डालू ना, वहाँ जाने के पार्किंग में रखना नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाले उठा ले जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी तो मुझे पता है, रोड में खड़ी करी जा रहा है। ये बात सही, पापा से पूछता हूँ, पापा गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी लेके ना जा, इसे कहे गाड़ी लेके ना जा, पापा ने मना कर दिया भैया। सो गाइस गाड़ी मिल गई और ये देखो कितनी गंदी है, अब इसको उठा के लेके जाऊंगा आज। सो गाइस ये देखो हेलमेट पहना हूँ और मैं रेडी हो गया, बट रास्ता नहीं दिखावाऊंगा क्योंकि ना मेरे पास वो नहीं है, स्टैंड नहीं है ये गाड़ी में लगाने का। तो सीधा मैं जाऊंगा वहीं पर, बस वहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है, पार्किंग होगा नहीं होगा वो नहीं पता। चलो मैं स्टार्ट जाता हूँ यहाँ से, गाड़ी मेरे साथ है, फर्स्ट दिन भैया दे ही नहीं देते, मम्मी बोली दे दे, पापा तो सीधा मना कर दिया नहीं देना। ये रही मेरी गाड़ी और वो रही पार्किंग। गाइस पता है भैया ना एकदम परफेक्ट बोलते हैं गाड़ी लेके नहीं आने का, और ना आज मुझे लगा मैं लेके आऊँगा अच्छा रहेगा, और मैं आज ही लेके आया था। तो ये सोसाइटी में पार्किंग नहीं है तो मुझे बाजू में खड़ी करनी पड़ी और वहाँ पर 30 रुपये ले लिया उसने। इससे अच्छा मैं तो, और मैं पेट्रोल भी चला के आया तो मेरे को कम से कम 100 रुपये का तो फटका पड़ेगा। इससे अच्छा तो हमेशा यही करने का ना कि जो भी रहेगा बस मार के आने का, और मैं कल से वही करूँगा बस चाबी। और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब, और उन्होंने ये भी बोला ना कि तुम्हारी गाड़ी को उठा के ले जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बोला हेलमेट ड्राइवर की बोलती, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है, मैं जब इनका पैसा लेता हूँ। बोला क्या यार, तो मैं कल से गाड़ी लेके नहीं आऊँगा। फाइनली मैं पहुँच गया अपने वहाँ पर, चलो जाते हैं अंदर। सो गाइस आज फिर से हो गया बल्ले बल्ले, और आज मैं गाड़ी लाया था ना मोस्ट टाइपिंग, मजा आया कुछ भी बोलो। अभी पता है कैसे, मतलब 2 दिन से अच्छे से बैच स्टार्ट कर देंगे, अभी तो नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि एडमिशन तो मतलब 1 वीक पहले ले लिया था, तो उन्होंने बोला कि तुम आओ। वैसे मैं बता दूँ ना तो मुझे पूरा 3D एनिमेशन वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइन बहुत कुछ सीखना है। तो मैंने क्या सोचा है कि जो कंप्यूटर का बेसिक होता है CRT, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इससे पूरा बेसिक क्लियर होता जाएगा। मैंने वैसे ही स्टार्ट किया है, आज तो बस टाइपिंग के साथ आँख बंद करके फटाफट टाइपिंग करते हैं ना, अभी तो उसका सेशन चल रहा था तो वो हो गया। और अभी बस परसों 2 तारीख उन्होंने बोला कि बैच तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, बोला ठीक है। चलो फिर ये पार्किंग पे आ गया, मेरी गाड़ी ये रही, हाँ यही वाली। अब बता दूँ ना पिछवाड़ा मस्त गर्म होगा, कब से धूप में ही खड़ी है। मैंने हेलमेट पहन लिया है और ये रही गाड़ी, अब बैठता हूँ और जाऊँगा घर पे। और रास्ता भी नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज कैसे दिखाऊँगा, दोनों गाड़ी चलाना पड़ेगा ना, लाइसेंस भी नहीं, बच के आना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ भाई ट्रैफिक लगाए हमेशा, तुम्हें ऑब्जर्व किया क्या, वो नंबर ब्लैक का नहीं दिखता रियली में। पेट्रोल तो है बट 100 रुपये बच गया ना आज, तो सोचा पेट्रोल भरा लेता हूँ, तो फिर जैसे वहीं आया हूँ। और भी लाइन लगी है, तुम सुबह से अभी आ गए हो, कपड़ा क्या निकालेगा अभी, आपके बच्चा और ये दोनों भाग जाएंगे अभी। आपका क्या कहना है, पढ़ने नहीं कौन सा वाला आज का भी डालूंगा तो क्या होगा, मत ना प्लीज। अरे दीदी प्लीज, मैं नहाई थोड़ी नहीं। अरे गाइस कितना टाइम, कितना हो गया टाइम, कितना हो गया आपके 500 रुपए, ये ब्लॉग में मत डालना। ठीक है मैं नहीं डालूंगा, कुछ भी मत डालना प्लीज, कुछ मत डालना। डाल दिया तो क्या करोगी, डाल दिया तो, अरे कैसे गिन रही है देखो, अरे स्माइल देखो। तो गाइस मैंने इनका पैसा लिया था तो दे दिया, 1 महीना हो गया मैं दे नहीं रहा था, बट कितना हर वक्त कॉल बहुत परेशान कर दिया। नहीं झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, छोड़ो मैं झूठ बोल रहा हूँ। गाइस दीदी ने नया स्पीकर लिया है, मैंने बोला JBL का लेना चाहिए था, ये कौन सा MZ लिया है, ये देखो
तुम्हारे तरह इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। चलो नंगे पैर घूमता हूँ। हम भी सब बैर फुटेड ही। नहीं नहीं बैर अब कूल से ही बैठती हूँ। अब मैं बेड में बैठता हूँ क्या? अगर तुमने ये व्लॉग वीडियो में डाला तो तुमको मार दूंगी। क्या अब जब मारने आओगे उसको भी डालूंगा। मर जाओ। तुमको मेरी कसम अगर तुमने ये ब्लॉग में डाला मर जाओ। कुछ भी मर जाओ। नहीं क्यों मारूं मैं? तो कसम खाए तो मैं ब्लॉग में डालूंगा तो मर ही जाओगी। मत प्लीज ब्लॉग में डाल। मैं ब्लॉग में डालूंगा तथास्तु सौभाग्यवती भवा। हो थैंक यू। हे थैंक यू। अरे वो कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने का आशा तो सौभाग्यवती भवा क्या बात में है। चलो ठीक है मैं इसको ब्लॉग में जरूर डालूंगा। सो गाइस भैया का भी लेक्चर थोड़ी देर में। कौन सा लेक्चर है? सिटी बायोलॉजी। ये स्टूडियो में गोवा स्टूडियो में। हाँ ठीक है गाइस इनका ये स्टूडियो में लेक्चर रहेगा तो मैं जा रहा हूँ पढ़ने थोड़ा सा। अभी साफ कर दूँ और बताना पहले ये क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना ये क्या है। और मैं जा रहा हूँ पढ़ने तो मिलेंगे भैया के लेक्चर्स के बाद। ठीक है गाइस मैं पढ़ रहा था मम्मी का कॉल आया आजा खाना खा ले। जाऊँ खाना है ना खा लूँ कुछ नहीं खा देता। कहाँ जा रही हो? गाना गाने जाना है। गाना गाने खाना पड़ा तो फटक से है? आंटी घर में फिर से कुछ तो रामायण रहता है ना वो औरत लोग को भजन होता है वही जा रही है तो इस बार फिर से मुझे प्रसाद लेके आना और सब मुझे दे देना। अभी रेडी हो रही है मैं जाता हूँ ऊपर स्टूडियो में। पापा रहेंगे ना? पापा रहेंगे चाबी रखेंगे। ठीक है अब मैं जाता हूँ ऊपर। पापा यही रहेंगे मम्मी जाएंगी और फिर से जा रहा हूँ मैं पढ़ने। कैमरे में पानी जाएगा बाहर बाहर किसको हवा देना है? इसे बुला भी छोड़ देता इसे खूटे से बात कर दो। कौन है ये भिखारी? भिखारी छोड़ यार तू मेरे खुपा नहीं है। ओ लगी क्या बीमार। सो गाइस भैया भी लेक्चर से आए थे एंड भैया ना थोड़ा सा आराम कर रहे और पापा भी आराम ही कर रहे हैं। मम्मी तो पूजा में गई हैं। सो गाइस मैं अभी क्या करूँगा पता है? जाऊँगा गार्डन आज से इससे एक वीडियो रिकॉर्ड करने तो वहीं जा रहा हूँ मैं। सो गाइस ये लड़की खेल रही है बच्चों के साथ। चोर पुलिस नहीं है। तो कौन सा गेम? अच्छा गधा जोकर पता नहीं कौन सा गेम है। और सब लोग यहाँ छुपे इधर आओ सब लोग गायब हो गए। सो गाइस जा रहा हूँ गार्डन वीडियो बनाने मेरी गाड़ी है। उससे पहले जाऊंगा एक स्टेशनरी की दुकान में और हाथ का बैंड ले लें पहन के मतलब वीडियो बनाते इससे हाथ में प्रॉब्लम नहीं होती तो पहले जाके बोलूँगा फिर जाऊंगा गार्डन। ठीक है गाइस घूमते घूमते वड़ा पाव भी खा लेते हैं अब गाड़ी यहाँ खड़ी है। नहीं नहीं अरे ये गाड़ी सेम है ना सेम दोनों इसके दोनों का मालिक मैं। चलो गाड़ी में आ गया चलो आजा। यहाँ फ्री फायर चालू है और यहाँ स्टंट चालू है और ये सुखा की हड्डी हो गया अपने आपको सिक्स पैक दिखा रहे है। खाने पीने पे ध्यान दे सारे चमड़ी दिख रहा है चमड़ी दिख रहा है मतलब बॉडी का स्किन दिख रहा है सिक्स पैक कुछ नहीं है। सो गाइस ये रहा गार्डन फिर से कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड चूज करेंगे फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सर बिग फैन भाग गया ये दूध है ये यहां पे हां मैंने देखा। सो गाइस गार्डन में आ गया और मैं सोच रहा था कि आज का लोकेशन बस इतना रहेगा और ये रहेगा हमारा कैमरामैन। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं मिलेंगे आधे एक घंटे बाद फिर से। आज गार्डन हमका भरा भरा लग रहा है। तुम ले लो स्टार्ट। हाँ बस स्टार्ट। बस सो गाइस ये मेरा सब्सक्राइबर है और इतने बड़े गार्डन में मुझे कोई दिखा नहीं था तो मैंने इसको 10 रुपये दिया बोला भाई जो दौड़ दौड़ के आना सब्सक्राइबर। और ये सभी मेरे सब्सक्राइबर है हो कि नहीं हो? देखा सबको जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ मैं।
स्टार्ट। और मैंने एक दो जोकिंग एंड मस्ती वाले वीडियोस बनाए तो उसको मैं ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो अभी मैं जाऊंगा सीधा घर पे यहाँ से। आज तो रियली बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में फिरने में सब मस्ती वस्ती करने में, है ना? हाँ। तुमको आ रहा है? हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने बेटा की क्या लेकिन तुमसे आकांक्षा नाम था ना? चुप रहो गाइस, कैमरा मैन इसको कॉल कर रहा हूँ ना तो बोलता ऐसा ऐसा मत करो। क्या हुआ? कैमरामैन घर पे वीडियो रिकॉर्ड किया था अपने नीलकंठ गार्डन में जाके एक वर्कआउट का। तो मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी और हमारे एक यूट्यूबर मिले, इनका नाम थगेश। आप लोग तो इनको बताने की जरूरत ही क्या है। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, बस तब कैसे हो? सर एकदम मैं भी ठीक हूँ, बहुत दिनों से मिलने की चाहत थी तो आज मिल गया फाइनली। मिल गया फाइनली, भैया ने बताया था कि यहाँ रहते तो मतलब मिलने का प्लान था। बस बाल बिल कटा के आ रहा हूँ अभी। अभी मतलब ये तो नई गाड़ी थी ना आपका? नया गाड़ी नहीं लेके जाता हूँ ना यार सब जगह। तो गाइस बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, रियली बता रहा हूँ। और मतलब चाहत थी मिलने की, पहले हमारे साथ वहाँ रहते थे बिल्डिंग की, तो अभी सर तो बहुत बड़े बन गए। आपकी कृपा सर। मेरी कुछ भी देख रहा हूँ, मेरी कृपा देखो। कितना सब्सक्राइबर बताइए आपने पहले? बस चल रहा है 33। और पता है एक तो एक स्कैम निकलते जा रहे उन पर, क्या बोलते अदनान। बहुत अच्छी वीडियो रहते रियली, बहुत अच्छे मैं डेली हर एक वीडियो देखता हूँ। थैंक यू भाई, और बहुत अच्छे रहते। चलिए अभी बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। आपको भी सब्सक्राइब करो भाई, रख दे देना। अरे सॉरी सॉरी, चलेगा बाय। तो हो गया, मेरी गाड़ी भी है, अभी हम लोग चले घर पे। बहुत पानी जाता था अंदर तो मैंने सोचा ये लगवा लेता हूँ, तो 50 रुपये कुछ दे रहे, चलो इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, अंदर पानी आएगा, इससे इंजन भी खराब नहीं होगा। ठीक है चलो लगा दीजिए। ये तो लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना गाड़ी का छिट्टा पूरा जूते खराब कर देता है, तो जूते की बैंड बच जाती है, तो इससे प्रोडक्शन बहुत मिलेगा। तो मैं इसके लिए भी लगवा लिया, ये भी लगवा लिया, 100 रुपये गया मेरा। कैसा ना कि पहले भैया के फ्रेंड थे तो उन्होंने अभी रोस्टिंग शुरू कर दिया, तो उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। पहले वो यहीं रहते थे हमारे साथ ही, मतलब दूसरे बिल्डिंग में ऐसा था। डरा के भाग गए, जस्ट अभी आया और अभी आज वर्कआउट करेंगे, डंबल वंबल फेंका है तो मज़ा तो आएगा आज, पता नहीं बट चलो हो गया। और अभी हम चले घर की तरफ। पीछे आ गया और ये मम्मी भैया मूवी देखने बैठे और मम्मी भी कुछ काम कर रही हैं। आज मैंने खुद से खाना परसा है और खाने में है सब्जी रोटी होगा ना, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया। और अभी हम लोग नहीं, मैं भाई लोग सब सो गए, तो मैं जा रहा हूँ सोने, उसके पहले ब्लॉग एडिटिंग करूँगा और कल सुबह फिर से क्लास जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो तकलीफ बाय बाय एंड गुड नाइट। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है हेमंती 9 और हेमंत दिवाली फिटनेस, उसे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.